हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पॉइंट सर्कल में, आज हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये भी जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स और 2 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है और सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे इजी चैप्टर है। अगर द पॉइंट आप कर लोगे तो आप इजी पास हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो बेसिकली किनके लिए है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, PSBTE का डिप्लोमा कर रहे हैं, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको मई 2012 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आया हुआ है। तो और जो डिग्री भी कर रहे हैं उनको लिए भी, जो सॉरी जो प्लस 2 JEE का पेपर देना चाहते हैं, आगे BTech भी जिन्होंने करनी है उनको भी अगर टेस्ट क्रैक करना है तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं JEE मेन में, जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए। उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा वहाँ पे आपको इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद 2 वर्टेक्स। हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, जैसे कि एक मान लीजिए ये हमारी एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हमने ये वाला जो सेंट्रॉइड पार्ट है, ये वाला यहाँ वाला ये इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये हमने हमें गिवन है जो हमारा फॉर्म है, और हमें ये ए बी और सी इनमें से 2 गिवन है, एक हमने निकालना है। तो ये मान लीजिए हमारे पास ए गिवन है 3 और 4 और बी गिवन है, ठीक है, जो और 1 और -1 -9 और सी हमें जो है वो निकालना है, और इसके लिए हमें सेंट्रॉइड भी गिवन है। सेंट्रॉइड हमें गिवन है कितना है 2 -4, जो हमें जिसको हम बोलते हैं एक्स और वाई। अब इतना आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा। अब हमने करना क्या है, हमने x3 y3 निकालना है। बट सेंट्रॉइड का माइंड में ये आता है कि फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ तो पता चल गया कि ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, ये हमारे पास x3 y3 निकालना है, ठीक है, ये हमारा x3 और y3 जो है वो हमने निकालना है, और ये हमारे पास जो है x और y है, सब कुछ पता चल गया। बट हमें क्या फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। तो जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सिंपल सा है, सबसे इजी है, क्या है, x है निकालना है तो वो होगा x1 + x2 + x3, तीनों को प्लस करेंगे, 3 है तो नीचे 3 डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर हमने y का निकालना है तो y का भी ऐसे ही बनेगा, y = y1 + y2 + y3 नीचे 3, ये वाला इससे हमारा हो जाएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पेपर में आता ही आता है, ठीक है, तो इसको इजी वे से आपने कर लेना है। तो हमें x और y की वैल्यू, x1 देखिए यहाँ पर है 3, ये हमारे पास 3 है, -1 है, ठीक है, और x3 है, तो यहाँ पर x कितना है 2, तो 2 क्या आएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर x3, ये हमें पता नहीं है नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 = 2 + x3 आ जाएगा। तो अगर हमने x3 ये वाला निकालना है तो ये वाला प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x3 आ जाएगा 6, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x3 हमारा आ जाएगा 4। तो हमने x3 जो है वो निकाल लिया है। ऐसे ही हम y1 y2 y3 से y3 भी निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, y कितना है -4। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा y = y1 + y2 + y3, नीचे क्या था 3 था, और y हमारा क्या है -4, और y1 कितना है ये हम देख लेते हैं, y3 हमें निकालना है, y2 हम देखते हैं क्या है हमारा, y1 हमारा है 4 और ये क्या है हमारे पास -9, तो यहाँ पर 4 - 9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इससे माइनस होगा तो ये बन जाएगा -5 + y3 = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बन जाएगा। तो अब इस ये क्या आएगा, y3 = जो चीज हमने निकालनी होती है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड पे रखते हैं,
तो ये आएगा -12। माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, अगर किसी के घर पे जाओगे तो डांट पड़ेगी आपको, तो माइनस का इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन के आएगा। तो y3 इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि जो हमारा एक 4 था एक -7 था, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड वर्टेक्स है, जो हमारे पास थर्ड वर्टेक्स है वो हमारे पास x3 और y3 था, ठीक है, तो वो हमारे पास 4 और -7 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा आंसर ठीक है, ये देख लेते हैं। 4 और -7, बी इज ए करेक्ट आंसर। तो बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसकी जो PDF है आपको psbtpaper.com और gksmartclasses.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।